Dear students, welcome to the new lecture of time series modeling and forecasting. In the last lecture, we have done the stationary and non-stationary models, ARMA and ARIMA models, and for testing their modeling procedure, हमने autocorrelation and partial autocorrelation function, Excel और MATLAB दोनों पर हमने देखा था last lecture में. तो आई होप ये आपने प्रैक्टिस किया होगा घर पे और आप लोग से ये हो गया होगा. तो अब हम आगे जा रहे हैं, उसी अरिमा से आके मूव करते हैं कि अब हमने चेक कैसे करना है कि हमने अपने जो हमारे पास जो डाटा है उसमें मॉडल कौन सा बेस्ट फिट होगा. तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं चेक करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी. सही है, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर सेलेक्टिंग अवर बेस्ट सुटेबल मॉडल. बॉक्स जेंकिन मेथडोलॉजी में है क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस टाइम सीरीज मॉडल्स सच एज अरिमा मॉडल, द नेक्स्ट इशू टू अवर कंसर्न इज हाउ टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मॉडल डेट कैन बी प्रोड्यूस एक्यूरेट फोरकास्ट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल पैटर्न इन द डेटा एंड हाउ टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर ऑर्डर. सही, अब अरिमा मॉडल से हमने बहुत काफ़ी सारे वो देखे थे, ऑर्डर के मॉडल्स देखे थे, अरिमा 1-1, अरिमा 1-0-1, इस तरह के हमने मॉडल्स देखे थे. तो उसमें से कौन सा बेस्ट लगेगा हमारे डाटा के लिए जो हमारे एक्यूरेट फोरकास्ट करे आइंदा के हमारे टाइम इंटरवल्स में. तो उसके लिए हमारे पास एक मेथडोलॉजी है जिसे हम कहते हैं बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी. स्टैटिस्टिशियन जॉर्ज बॉक्स एंड विलियम जेंकिंस डेवलप अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू बिल्ड अरिमा मॉडल विच बेस्ट फिट टू अ गिवन टाइम सीरीज एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द पैरिसमनी प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करने में आसानी होती है. देयर कॉन्सेप्ट हैज़ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑन द एरिया ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है आजकल हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसका एनालिसिस एंड रिसर्च में. द बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी डज नॉट अज्यूम एनी पर्टिकुलर पैटर्न इन हिस्टोरिकल डाटा ऑफ द सीरीज टू बी फोरकास्ट. कोई पैटर्न की जरूरत नहीं होती, स्टेशन ऑन सीरीज कोई भी हो सकता है. द अदर यूजेस अ थ्री स्टेप आइट्रेटिव अप्रोच फॉर मॉडल आइडेंटिफिकेशन. तीन अप्रोच हैं इसकी, पहला है मॉडल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है पैरा एस्टिमेशन एंड जो थर्ड है वो है डायग्नोस्टिक चेकिंग टू डिटरमाइन द बेस्ट पैरिसमनियस मॉडल्स फ्रॉम अ जनरल क्लास ऑफ अरिमा मॉडल. ठीक है, तो ये तीन स्टेप हमने चेक करने हैं अरिमा मॉडल को सेलेक्ट करने के लिए. दिस थ्री स्टेप प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अंडर अ सेटिस्फैक्ट्री मॉडल इज फाइनली सेलेक्टेड. ये रिपीट होते रहते हैं जब तक आपको बेस्ट या सेटिस्फैक्ट्री मॉडल आपको ना मिल जाता, आप इसको मेथड को दोबारा चलाते रहते हैं, इस तीनों प्रोसेस को चलाते रहते हैं. देन दिस मॉडल कैन बी यूज फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज. जब आपको 10-15-20 मॉडल में से कोई एक बेस्ट सुटेबल मॉडल निकल कर आता है तो फिर आप उससे अपने फोरकास्ट वैल्यू करते हैं टाइम सीरीज के लिए. ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट है, ये इसकी डायग्राम है. सेट कर लेते हैं एक फिगर में ये. द बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी फॉर ऑप्टिमल मॉडल सिलेक्शन. सबसे पहले क्या करना है, पोस्टुलेट जनरल क्लास ऑफ अरिमा मॉडल. आपने अपने जनरल अरिमा मॉडल हमने बनाया लास्ट क्लास में, हमने लास्ट सेक्शन देख चुके किस तरह अरिमा मॉडल बना सकते हैं, 1-1, 1-0, 1-1-1-0, ये सारे हमने चेक कर लिए थे, इनकी इक्वेशन बाय हैंड हमने इसको जनरेट करना सीख लिया था. तो हम पहले एक जनरल क्लास अरिमा मॉडल बना लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं आइडेंटिफाई द मॉडल विच कैन बी टेंटिवली इंटरप्रेटेड. सही, आइडेंटिफाई मॉडल करते हैं कि उसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि मॉडल कौन सा बेस्ट सुटेबल या बेस्ट इंटरटेनमेंट जो हमारी टाइम सीरीज को डाटा को कर सकता है उसको हम ले. एस्टिमेट द पैरामीटर टेंटिव इंटरटेनमेंट मॉडल, उसमें थीटा फाई जाई ये तमाम वैल्यूज के हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स. डायग्नोस्टिक चेकिंग करते हैं फिर इज द मॉडल एडवोकेट. सही है, इस डायग्नोस्टिक चेकिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें, एक अकाइक है और एक AIC है. अकाइक कहते हैं इसको और बेशियन कहते हैं BIC इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. ठीक है, अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और बेशियन उसके मदद से हम इसे करते हैं. अगर वो हमारे पास चेकिंग एडवोकेट होता तो हम उस मॉडल को यूज़ कर लेते हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर हम दोबारा कोई दूसरा मॉडल लेते हैं. सही, दोबारा नो पे ये वापस चलाएगा इस स्टेप पे, फिर दूसरा मॉडल. जैसे लेटेस्ट सपोज हमने अरिमा 1-1 मॉडल लिया हुआ है, अरिमा 1-1-0 मॉडल लिया हुआ. सही, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके हमने पैरामीटर्स निकाले थे जितने भी थीटा फाई जाए जो भी इसमें पैरामीटर वो निकाले, चाहिए मैटलैब या एक्सेल से, मैटलैब से निकाल लें, आर से निकाल लें, किसी सॉफ्टवेयर से निकाल लें या बाय हैंड निकाल लें. ठीक है,
वो निकालने के बाद फिर हमने उसकी आगाईक और या ए आई सी या बी आई सी वैल्यू चेक की। अगर वो मिनिमम नहीं आ रही तो फिर वापस चले आएंगे, दूसरा मॉडल लेंगे, तो इसे उस तक जाता रहेगा। अगर वो मिनिमम वैल्यूज आ रही है तो फिर हम उस मॉडल को ले लेंगे, ठीक है। तो वो बेस करेगा इस वाले स्टेप से, अगर येस होगा तो मॉडल सेलेक्ट करेंगे, नो होगा तो वापस जाएंगे। तो ये तीन स्टेप वापस होते रहेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई एस्टिमेटेड डायग्नोस, आइडेंटिफाई एस्टिमेटेड डायग्नोस, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है बॉक्स जेंसिन मेथोडोलॉजी का। अ क्रूशियल स्टेप इन एन अप्रोप्रिएट मॉडल सिलेक्शन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मॉडल पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मॉडल अप्रोप्रिएट आएगा उसकी हम जो पैरामीटर्स हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं। वन क्राइटेरिया सिंपल, अब हमने लास्ट क्लास में देखा था ACF PACF निकालना सीख रहा था मैं मैटलैब से, और बाय हैंड भी आपको एक एक्सेल पे हमने किया था। तो ACF PACF की वैल्यू से भी हम एक क्राइटेरिया निकाल सकते हैं। कैलकुलेटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा मच शुड मैच विद द करस्पॉन्डिंग थ्योरेटिकल एक्चुअल वैल्यूज। अच्छा, ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा क्या होता है? आप एक डाटा डाटा सपोज आपके पास 100 वैल्यूज का एक डाटा है, तो आपने एक टेस्टिंग के लिए कुछ ट्रेनिंग डाटा यानी कुछ कुछ 50 वैल्यूज या 40 वैल्यूज आपने ले ली, सही है। उस वैल्यू पे आपने एक डाटा मॉडल सेलेक्ट किया और फिर आपने अपनी नेक्स्ट वैल्यू से 50 वैल्यूज को प्रिडिक्ट किया। तो अब जो नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं और जो ओरिजिनल प्रिडिक्टेड जो रिमेनिंग वो गई थी, अब उनको आप चेक करने की कितनी मैच कर रहे हैं, उनमें एरर कितना आ रहा है, सही है, या उनमें कोरिलेशन कितना है। इस तरह एक टेस्ट ट्रेनिंग डाटा होता है जिसपे आप चेक करते हैं अप्लाई करके, और एक टेस्टिंग डाटा होता है जिसपे आपने फोरकास्ट वैल्यू आप चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अदर वाइडली यूज मेजर फॉर द मॉडल आइडेंटिफिकेशन एंड अकाइक, ये बता रहा था आपको मैं, अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया होता है और दूसरा है बेशियन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो फिर हम मॉडल आइडेंटिफिकेशन इन दो की मदद से करते हैं, ठीक है। ये इनकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये हम एक अलग करेंगे अकाइक आज करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ से देखते हैं। अब ये है एक लेटर सपोज, ये इक्वेशन है अकाइक की, सही है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सही है। एन ये जो होगा आपकी ऑब्जर्वेशन होगी जो आपने एक्सेप्ट की होंगी। यूज टू फिट द मॉडल, पी इज द नंबर ऑफ पैरामीटर, जितने आपके पैरामीटर्स होंगे वो आ जाएंगे मॉडल्स में, सही है। सिग्मा स्क्वायर इज द सम ऑफ सैम्पल स्क्वायर रेजिड्यू, रेजिड्यू एरर होता है, सही है, उसको सम ऑफ सैम्पल स्क्वायर रेजिड्यू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। द ऑप्टिमल मॉडल ऑर्डर इज चूजन बाय द नंबर ऑफ मॉडल पैरामीटर्स विच मिनिमाइजेस, कम से कम कर दे ए आई सी को या फिर बी आई सी को, सही, अकाइक को या बेसिन को, कम से कम मिनिमम वैल्यूज अगर होंगी ये दोनों या कोई एक, तो फिर हमारा मॉडल वो बेस्ट सिलेक्ट होगा। अदर सिमिलर क्राइटेरिया हैव ऑल्सो बीन प्रपोज इन द लिटरेचर फॉर ऑप्टिमल मॉडल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक मेथोडोलॉजी बनाई थी बॉक्स ये जेंकिंस ने, कि हम इस तरह मॉडल को हम सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ये 20-25 मॉडल में से पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई किया उसके पैरामीटर निकाल के डी आकाइक और ये बेसियन चेक कर लिया, जो मिनिमम होंगी उनको हम सेलेक्ट करते रहेंगे, जो नहीं होंगी वापस ये तीनों पैरामीटर्स ये तीनों स्टेप्स फॉलो होते रहेंगे, ठीक है। तब तो मूव करते हैं आकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया पे। ये आकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया है इसका, ये स्टार्ट करते हैं। द अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया इज एन एस्टिमेटर ऑफ आउट ऑफ सैंपल प्रिडिक्शन एरर एंड देयर बाय रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एस्टिमेटर होता है जो हमारे पास एक प्रिडिक्शन एरर बताता है, या वो प्रिडिक्शन एरर कम से कम होना चाहिए, तो वो हमारे पास मदद करता है किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए। गिवन अ कलेक्शन मॉडल फॉर अ डाटा अकाइक एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ ईच मॉडल, ठीक है, रिलेटिव टू ईच ऑफ द अदर मॉडल, सही है। क्वालिटी बताता है जो आपने सेलेक्ट किया मॉडल्स का, सही है, और ये मीन बताता है मॉडल सिलेक्शन के लिए, प्रोवाइड द मीन फॉर द मॉडल सिलेक्शन। अकाइक अकाइक इज फाउंडेड ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरी, वैन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस दैट जनरेटेड द डाटा, द रिप्रेजेंटेशन विल ऑलमोस्ट नेवर बी एग्जैक्ट, सो सम इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस बाई यूजिंग द मॉडल रिप्रेजेंट द प्रोसेस। अकाइक यानी अकाइक बोल रहा हूँ मैं इसको, ए आई सी को, अकाइक एस्टिमेट द रिलेटिव इन्फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉस्ड बाय द गिवन मॉडल, द लेस इन्फॉर्मेशन ऑफ द मॉडल लॉस इज द हायर क्वालिटी ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि होता क्या है, जब हम स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करते हैं तो हमारे पास जब हम डाटा जनरेट कर रहे होते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस होती रहती है, यानी जैसे जैसे मॉडल को प्रोसेस करते रहते हैं उस समय हमारे पास इन्फॉर्मेशन लॉस होती रहती है। अकाई ये AIC क्या करता है, AIC क्या करता है, ये रिलेटिवली एस्टिमेट करता है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉस को। ये जितनी कम होगी ना, जितनी इन्फॉर्मेशन लेस होती उतना आपका क्वालिटी ऑफ हाई मॉडल होगा, यानी क्वालिटी का मॉडल होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए वजह से हम इसको इनकी वैल्यूज को कम से कम लेते हैं। ये लिखा हुआ है एस्टिमेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉस बाय द गिवन मॉडल, द लेस इन्फॉर्मेशन
मॉडल लॉसेस, जितनी कम से कम इंफॉर्मेशन लॉस करेगा द हायर द क्वालिटी ऑफ दैट मॉडल, ठीक है, तो हमें मॉडल की क्वालिटी सबसे ज्यादा वहां पे मिलेगी। इन एस्टिमेशन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस बाय द मॉडल AIC deals with the trade-off between the goodness of its model and the simplicity of the model. ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडल होगा उसको हम ये गुडनेस ऑफ फिट के तहत में निकालेंगे और सिंपलिसिटी या सिंपल मॉडल में सिलेक्ट कर लेंगे। इन अदर वर्ड अकाइक AIC deals with both the risk of overfitting and the risk of underfitting. सही है, इसमें रिस्क होता है कि अगर हमने ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया है, ज़्यादा ओवरफिटिंग कर लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है या फोरकास्टिंग ज़्यादा वैल्यू आ रही है या बहुत ही दूर आ रही है, तो ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग का इसमें रिस्क रहता है। अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया इज नेम आफ्टर जैपनीज स्टैटिस्टिशियन था हमारे पास हिरोटोगो अकाइक, और ये तकरीबन 1970 में ये इसने पेश किया था अपने रिसर्च में कि ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया है जिसके तहत हम मॉडल सिलेक्शन के लिए हमारे पास काफ़ी मदद होती है। तो आजकल ये बहुत यूज़ हो रहा है, सही है, फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बड़ा उसने काम किया है और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेज और रिसर्च में भी बहुत यूज़ हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन पर चलते हैं इसकी। डेफिनेशन, सपोज दैट वी हैव अ स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ सम डाटा, हमारे पास लेट सपोज कर लेना हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल किसी डाटा का, सही, लेट के बी द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स इन द मॉडल, और के हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं जो हम एस्टिमेट करेंगे मॉडल्स की, सही है, ये जितना ऑर्डर बढ़ता रहेगा उतने पैरामीटर के बढ़ते रहेंगे, ये आपने देखा हुआ अरिमा मॉडल्स। द लेट एल कैप बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं ऑफ द मॉडल, सही है, देन अकाइक ए आई सी वैल्यू ऑफ द मॉडल इज फॉलोइंग 2k-2 एल एन एल आर, सही है, वो पिछली इक्वेशन से मिलता जुलता है, तो अब ये इक्वेशन यूज कर लीजिएगा। गिवन अ सेट ऑफ कैंडिडेट मॉडल्स फॉर द डाटा द प्रिफेर मॉडल इज द वन विद द मिनिमम, सही है, बता चुका हूँ आपको कम से कम छोटी वैल्यू होनी चाहिए, थस ए आई सी रिवॉर्ड्स गुडनेस ऑफ फिट, हम वो फिर वो आपको बताएगा कि यही आपका गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मॉडल है, एस बाई एस इज लाइक्लीहुड फंक्शन, बट इट ऑल्सो इंक्लूड अ पेनल्टी डेट एज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर बाय एस्टिमेट पैरामीटर, जैसे जैसे हम फंक्शन बढ़ाते हैं आपके पैरामीटर्स ऐसे ऐसे एस्टिमेट ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम होती है। द पेनल्टी डिस्करेज ओवर फिटिंग, सही है, फिर अगर ये बढ़ते रहेंगे हमारे पास पैरामीटर जितने बढ़ते रहेंगे ओवर फिटिंग की तरफ जाएगा हमारे पास, तो कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मॉडल होगा उसके पैरामीटर कम से कम हो और बेस्ट सुटेबल मॉडल हमारे पास निकल कर आए, सही है। सपोज दैट द डाटा इज जनरेटेड बाय सम अननोन प्रोसेस एफ, we consider two candidate model to represent f g1 and g2, let us suppose example ले रहा है कि हमारे पास एक data generate हो रहा है किसी भी एक process f से, सही, और उसमें दो हम models ले रहे हैं g1 और g2, if we knew f, अगर हमें f पता है then we could find the information lost by using g1 to represent f by calculating divergence theorem के तहत, सही है, लेबर कुलबेक लेबर डाइवर्जेंस होता है, सही है, तो उसके तहत हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वी कैन नॉट चूज सर्टेनली बिकॉज वी डू नॉट हैव नो, अगर हमारे पास एफ की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इस तरह नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हमारे पास अकाइक ने क्या किया, तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए अकाइक ने अपना ये इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया जनरेट किया था कि हाउ दैट वी कैन एस्टिमेट वे अकाइक हाउ मच और लेस इन्फॉर्मेशन लॉस बाय जी1 जी2, सही है, तो फिर वो कह रहे हैं अगर फंक्शन नहीं है तो फिर इन्फॉर्मेशन हमारे पास लॉस हो रही होगी यहाँ पे, सही है, G2 सिमिलरली, तो इस प्रॉब्लम को इसने ओवरकम करने के लिए ये AIC को जनरेट कराया था, ठीक है, तो हम जो फंक्शन थे इसके प्रोसेस G1 G2 उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हो रही है लॉस उसको निकालने के लिए इसने ये इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया जनरेट कराया था, ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू यूज AIC इन प्रैक्टिस, to apply AIC in practice we start with a set of candidate models hon chahiye, then find the models corresponding AIC values, fir hum uski AIC values bari bari models ke nikale, there will almost always be information loss due to using candidate model to represent the true model, sahi hai, kuch na kuch information loss hoti hai, the process that generate the data, sahi hai, process ko generate karne ke liye data ko generate karne ke liye we wish to select from among the candidate models the model that minimizes information loss, aur wo humne model lena jo information ko loss kam se kam kare, we cannot choose with certainty but we can minimize the estimated information loss, theek hai, to ye hamare paas jo jitna model le rahe honge wo pehla model ka dusra model teesra model uski values ko hum nikalte rahenge yahan pe, to wo hame batata rahega ki information loss kitni minimize ho rahi hai, let us suppose for example suppose that there are three candidate models, agar teen candidate models le raha hai aapko bhi, sahi hai, aur uski akaik values ke 100 102 and 1110, theek hai, piche aapne jo hame formula hai
उससे एकाएक की वैल्यू निकाली होगी। दिखा देता हूँ ये, ठीक है, यहाँ से हमने एकाएक की वैल्यू निकाली। और या फिर जो हमने उसमें पढ़ा था बुक में बॉक्स जंक्शन में, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको जब आप जो टाइम सीरीज की बुक है उसमें भी देखिएगा, उसमें भी होगा। या हम और एग्जाम्पल देख लेंगे, उसमें चेक कर लेंगे। सही है, हुज अकाइक वैल्यू 100, 102, 110। देन द सेकंड मॉडल इज एक्स। अब हम क्या करना, सेकंड मॉडल अगर चेक करना चाह रहे हैं तो मिनी इसकी इन तीनों में से मिनिमम कौन सी 100 है, तो 100 का मिनिमम रखेंगे। सेकंड मॉडल कौन सा 102, यहाँ पर रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.36 टाइम्स एज प्रोबेबल एज द फर्स्ट मॉडल टू मिनिमाइज इन्फॉर्मेशन लॉस। तो इतने टाइम्स जो होगी पॉसिबिलिटी होगी कि वो मिनिमाइज करेगा इन्फॉर्मेशन लॉस को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मॉडल। ठीक, समझा रही बात। सेकंड मॉडल अगर आप निकाल लें तो इतने चांसेस हैं कि वो मिनिमाइज करेगा इन्फॉर्मेशन लॉस को। सिमिलरली आप तीसरा निकालते हैं तो यहाँ पर हम थर्ड रख देंगे, 100 तो मिनिमम ही है, करें 0.03 टाइम्स एज प्रोबेबल एज द फर्स्ट मॉडल टू मिनिमाइज इन्फॉर्मेशन लॉस। सही है, फर्स्ट मॉडल के रिस्पेक्ट से निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये होगा 0.07 टाइम्स एज प्रोबेबल एज द फर्स्ट मॉडल टू मिनिमाइज इन्फॉर्मेशन लॉस। तो इतने चांस, इतने परसेंट चांसेस होंगे 0.007 टाइम्स होंगे फर्स्ट मॉडल के इन्फॉर्मेशन लॉस करेगा। इन दिस एग्जाम्पल वी वुड ओमिट द थर्ड मॉडल फ्रॉम द फर्दर कंसिडरेशन, वी हैव देन थ्री ऑप्शन। सही, हम इसको ओमिट कर देंगे थर्ड वाले को, क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे। गैदर मोर डाटा, क्योंकि डाटा नहीं था हमारे पास, हो सकता है कि इसमें और जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास अच्छे मॉडल्स दे रहे हों। तो हम क्या करेंगे, देन वी हैव थ्री ऑप्शंस, गैदर मोर डाटा इन इन द होप दैट दिस विल अलाउस क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द फर्स्ट टू मॉडल्स। सही है, ज़्यादा डाटा होगा तो हमें ज़्यादा आराम से या क्लियर पिक्चर वाजे होगी। सिंपली कंक्लूड दैट द डाटा इज इनसफिशियंट टू सपोर्ट सेलेक्टिंग वन मॉडल फ्रॉम अमंग द फर्स्ट टू। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा जो वैल्यूज हैं, तीन मॉडल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास इन एडवोकेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास थोड़े ज़्यादा मॉडल लेने होते हैं। द वेटेड एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू मॉडल विद प्रोपोर्शनल टू 1 एंड 0.36 रिस्पेक्टिवली एंड देन डू स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बेस्ड ऑन द मल्टी मॉडल्स। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि अगर आपने वेटेड एवरेज निकालने तो फर्स्ट और सेकंड का निकाल के आप इसको पहले सुन, तो ये बहुत ही कम आ रहा है, इतना छोटा आ रहा है, इतना आता नहीं है इन्फॉर्मेशन लॉस। तो ये तकरीबन 0 पॉइंट किस फॉर्म में रहता है, 0 पॉइंट, कोशिश ये होती द क्वान्टिटी एक्सपोनेंशियल अकाइक मिनिमम माइनस अकाइक आई डिवाइड बाई टू इज नोन एज द रिलेटिवली रिलेटिव लाइकलीहुड ऑफ मॉडल आई। सही है, रिलेटिव लाइकलीहुड कहते हैं इसको। सही, लाइकलीहुड का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, चांसेस होते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइकलीहुड रेशियो यूज इन द लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट। लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट में ये हमारे पास ज्यादातर यूज होता है। इनडीड इफ ऑल द मॉडल्स इन द कैंडिडेट सेट हैव द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स देन यूजिंग अकाइक माइट एट फर्स्ट अपेयर टू बी वेरी सिमिलर टू यूजिंग द लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट। सही, अगर हमारे पास सेम आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा अकाइक की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट। There are, however, important distinction. In particular, the Likert ratio test is valid only for nested model, whereas Akaik has no such restriction. लेकिन अब Akaik में कोई restriction नहीं है, किसी भी तरह के models में लग सकता है, लेकिन ये जो Likert ratio test है, ये nested यानी congested nested model जिसे हम कहते हैं, उसमें लगता है हमारे पास। ये जो जो एक दूसरे से nest हो रहे होते हैं, तो Akaik के लिए ये कोई restriction, इस तरह की restrictions नहीं होती है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे रोकता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा फिर हाइपोथेसिस पे हम तो थोड़ा आगे जाएंगे। तो अब ये ज़रा इसको अच्छी तरह देखें कि ये इस तरह की एग्जांपल ज़रा और कर लें। तीन तीन मॉडल्स इसने लिए हुए थे, आप तीन चार और मॉडल्स ले लें जैसे यहाँ पे लिए हुए हैं। सही है, इन इनकी वैल्यूज़ को निकालना देखें। ये इसमें जो इक्वेशन यूज़ हुई है, इस इक्वेशन से निकाल, सही है, अकाई की वैल्यूज पैरामीटर से। तो ये ट्राई करें, इसको कोशिश करें, नहीं हो रहा तो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे बताएं, मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल और करूँगा। तो ये अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसको हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, जिसने अब ये बॉक्स जंक्शन किया है। इसकी इसके ये मेथडोलॉजी देखिए कि क्या है। तो ये इसकी बेस पे हम क्या बेस पे हम ये अकाई अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हाइपोथेसिस से। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।